नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू. मैं हूं प्रशांत पावानी. आई होप यू आर डूइंग गुड. आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट खबरों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसमें सबसे पहले जो हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी हैं ये, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जो तनाव है वो बार बार हमें देखने को मिलता है, खास करके इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर के बारे में बात करें. और यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो है वो हमें समझना है. डिफरेंस ये है कि भारत और पाकिस्तान जो हैं, इन दोनों के बीच में दो प्रकार की बॉर्डर्स हैं. एक इंटरनेशनल बॉर्डर है. इंटरनेशनल जो बॉर्डर है इसमें ऐसा कोई विवाद नहीं है, एग्री किया है हमने कि ये हमारी, हम भी मानते हैं, पाकिस्तान भी मानता है कि ये हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है. प्रॉब्लम शुरू होती है, ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है इसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल. आपने कई बार LOC के बारे में सुना होगा, फिल्में भी बनी हैं इसके ऊपर ऑफकोर्स. और चाइना के साथ जब हमारी बॉर्डर की बात आती है तो है LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. एक लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पाकिस्तान के साथ है और एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो हमारी चाइना के साथ है. आज का जो हमारा डिस्कशन है या फिर फोकस है वो पाकिस्तान के ऊपर है, चाइना के ऊपर नहीं है. एनीवेज, तो यहाँ पर देखिए आप, 772 किलोमीटर लंबी हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान के साथ और सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन, सबसे ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो हमें इसी चीज़ पर, यहाँ पर ही देखने को मिलते हैं. इंटरनेशनल बॉर्डर रीजनेबली स्पीकिंग शांत रहती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर हमें किसी भी तरह की लापरवाही बरतनी नहीं चाहिए और हम बरतते भी नहीं हैं. वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट के हमारी जो फेंसेस हैं वो सिक्योर रहें, हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर रहें, ताकि वहाँ से किसी भी प्रकार के घुसपैठिए जो हैं वो हमारे देश में आकर यहाँ पर जो भी उनका एक एजेंडा होता है, टेररिज्म फैलाना या फिर लोगों को मारना, ये सारी चीज़ें ना हो पाएँ. एनीवेज, तो इसी चीज़ के ऊपर होम मिनिस्टर साहब ने स्मार्ट फेंस का इनोग्यूरेशन, यानी कि स्मार्ट फेंस का उद्घाटन किया है. और ये जो स्मार्ट फेंस है ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू का जो प्लोरा हेडक्वार्टर है BSF का. अब और एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर ये डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ होता तो, या फिर आर्मी के साथ जुड़ा हुआ होता तो यहाँ पर आपको डिफेंस मिनिस्ट्री देखने को मिलती, लेकिन BSF जो है ये हमारी सेंट्रल फोर्स है तो ये होम मिनिस्ट्री के तहत आती है, तो इसीलिए यहां पर आपको होम मिनिस्टर के साथ जुड़े हुए न्यूज देखने को मिल रहे हैं. तो दिस इज ए स्मॉल येट वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस टू अंडरस्टैंड. अब ये जो स्मार्ट फेंस है ये बेसिकली क्या काम करती है, यहां पर देखिए तस्वीर में एक छोटा सा एग्जाम्पल है. तारे जो होती हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक पावर पास होता है, तो अगर कोई इसको छूने की कोशिश करता है या फिर तोड़ने की कोशिश करता है तो वो उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. इसके अलावा कैमरास हैं, दूसरे जो सर्वेलेंस के इक्विपमेंट्स हैं उसको डिप्लॉय किए जाते हैं, कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स भी डिप्लॉय किए जाते हैं और डेटा स्टोरेज भी किया जाता है. तो इसे कहते हैं स्मार्ट फेंसिंग. लेज़र एक्टिवेटेड फेंसेस, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बैरियर्स, ये सारी चीज़ों का उपयोग करते हुए हमने भारत की पहली ऐसी स्मार्ट फेंस को इनॉग्यूरेट किया है. तो ये एक सही दिशा में एक हमारा पहला कदम है. आई एम श्योर आने वाले टाइम में इसमें भी बहुत सारे अपग्रेडेशन हमें देखने को मिलेंगे. स्मार्ट फेंसेस वायबल क्यों हैं या फिर स्मार्ट फेंसेस इंपॉर्टेंट क्यों हैं, देखिए सबसे पहले तो इसका एक फ़ायदा ये है कि राउंड द क्लॉक, यानी कि 24/7, यानी कि 24 घंटे सातों दिन और 365 डेज आप अपनी बॉर्डर्स के ऊपर निगरानी रख सकते हैं. कंट्रोल रूम में बैठे हुए हमारे जो जवान हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर अपनी नज़र रख सकते हैं, बॉर्डर्स को सिक्योर कर सकते हैं. दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि कंडीशन बाहर कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, चाहे डस्ट स्टॉर्म हो, फॉग हो, बारिश हो, ठंडी हो, बहुत गर्मी हो, तब भी ये जो इक्विपमेंट्स हैं वो काम करते हैं. और हमारे जो लोग हैं आर्मी के जवान, उनके लिए भी थोड़ी हार्डशिप जो हैं, तकलीफ़ जो है वो कम हो जाती है. इसी के साथ स्मार्ट फेंस या फिर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हुए हम ये भी तय कर सकते हैं, हम ये भी एक सिचुएशन जो है वो हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि इतने ज़्यादा पर्सोनल की हमारे बॉर्डर के ऊपर ज़रूरत नहीं है, तो उनको उन जगहों पर हम डिप्लॉय कर सकते हैं जहां पर फुट सोल्जर्स की ज़्यादा आवश्यकता है. तो इससे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो हमारा सिक्योरिटी सेटअप है उसमें एक बूस्ट मिलने वाला है. तो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं टॉपिक है. इसको अब आपको क्या करना है, अगर आप सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बांग्लादेश, अभी कई बार हमने पिछले कई दिनों से ये भी एक न्यूज़ आ रही थी कि बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेटर्स पहले आ चुके हैं या फिर
आने की कोशिश करते हैं, म्यांमार के साथ भी समथिंग सिमिलर है। तो ये सारी जगहें जो हैं जहाँ पर अभी टेरेन ही ऐसी है, जियोग्राफी ही ऐसी है, कई जगह पर नदियाँ हैं, कई जगह पर पहाड़ हैं, तो आप हर जगह पर ये जो फिज़िकल फेंस होती है वो नहीं लगा सकते। लेकिन सैटेलाइट के माध्यम से, ऐसे डिवाइस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम हमारी बॉर्डर्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी फ्यूचर। फ्यूचर में हमें इलेक्ट्रॉनिक या फिर स्मार्ट फेंसेस ही सारी जगह पर देखने को मिल सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप अलग अलग एग्ज़ाम की या फिर कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, SSC हैं, UPSC हैं, स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हैं, रेलवे की एग्ज़ाम है, टीचिंग एग्ज़ाम है, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज जो बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा, भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं, वो हमारी पोर्टल यानी कि studyiq.com वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। 23 सितंबर तक इनके ऊपर अप टू 50% डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आज के लेक्चर की PDF आपको मेरे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के ऊपर से मिल जाएगी। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, एक दूसरी येट इम्पोर्टेंट खबर आ रही है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि 3 ऐसी बैंक्स जो हैं, इसमें एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरी है विजया बैंक और तीसरी है देना बैंक। इन तीनों बैंकों के बारे में अगर मैं बात करूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये काफ़ी गुड परफॉर्मिंग बैंक है, इनका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा है, पूरे देश की बात है, इट्स ए वेरी गुड परफॉर्मिंग बैंक, ये गुड परफॉर्मर है। देना बैंक की पिछले कई दिनों से या फिर पिछले कई सालों से हालत जो है वो थोड़ी नाजुक है, थोड़ी ख़राब है। तो अब ये डिसाइड किया गया है कि ये तीनों बैंकों को मर्ज करके 3-in-1 यानी कि तीनों बैंकों को मिक्स करके एक नई स्ट्रॉन्ग बैंक बनाई जाएगी, और ये जो बैंक होगी ये भारत की 3rd largest बैंक होगी और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक भी होगी। जब ये तीनों बैंक्स एक दूसरे के साथ मिल जाएगी तब दूसरी जो बैंक्स है, वैसे तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन विजया बैंक और देना बैंक की जो ब्रांचेस हैं वो भी इस एक बैंक में कवर हो जाएगी। तो ज़्यादा ब्रांचेस, ज़्यादा ATMs और एक दूसरे के साथ जो सिमिलर प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपटीशन होती है तो वो भी हट जाएगी। तो दैट्स ए इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। और इसी के साथ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये भी एक्सप्लेनेशन दिया है कि जितने भी लोग इनमें काम करते हैं तीनों बैंकों में, तो उनकी सर्विस के खिलाफ ऐसी कोई भी जो सर्विस कंडीशन है उनकी, उसके खिलाफ कोई भी एडवर्स नेचर की कोई भी कंडीशंस क्रिएट नहीं की जाएगी। इसका छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि मान लीजिए आप देना बैंक में काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी से फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि मर्जर के बाद आपकी सैलरी 18,000 या 20,000 से कम की जाएगी। आपकी वर्किंग आवर, सारी चीज़ें जो आप कर रहे थे पहले जो भी बैंक में हैं, तीनों में से किसी भी बैंक में, तो वही कंडीशंस रहेगी। हो सकता है थोड़ा बहुत वर्क का कल्चर चेंज हो जाए, और होगा भी, क्योंकि 3 ऐसी बैंक्स मिल रही हैं, एक वेरी गुड परफॉर्मर, एक मीडियम परफॉर्मर और एक नॉट दैट गुड परफॉर्मर। तो तीनों बैंक्स जब मिलेंगी, तीनों बैंक्स के लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके काम करेंगे, तो थोड़े बहुत बदलाव तो हमें देखने को मिलेंगे। ये सारे एडजस्टमेंट तो मर्जर और एक्विजिशंस में होते ही हैं, चैलेंजेस भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में बोर्ड की मीटिंग होगी, एडिक्वेट कंसल्टेशन होगा, ताकि देखा जाए कि जो ये मर्जर हैं ये एज स्मूथ एज पॉसिबल हो। बैंक ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इससे पहले भी मर्जर्स किए हैं दूसरी बैंक्स के, इसी साल में हमने देखा था कि मर्जर्स किए थे, लास्ट ईयर भी मर्जर्स हुए थे। तो गवर्नमेंट का वन ऑफ द मेन एजेंडा ये है कि देखिए, गवर्नमेंट की बहुत सारी बैंक्स हैं जनरली स्पीकिंग सेम इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है, अलग अलग बैनर्स में काम करती हैं, किसी का नाम विजया बैंक है, किसी का देना, किसी का बड़ौदा, तो ये सारी अलग अलग बैंक्स होने की वजह से और ज़्यादातर गवर्नमेंट बैंक्स होने की वजह से एक दूसरे के साथ सिमिलर प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्पिटिशन में लगी रहती है, तो दैट्स नॉट ए गुड थिंग। इसी के साथ जो Basel III के नॉर्म्स हैं उसमें भी ये छोटी छोटी बैंक्स जो हैं जब मर्ज होकर बड़ी बैंक बन जाती है, तो Basel III यानी कि आपको एक कैपिटल रखना होता है, एक स्टैंडर्ड है उसका कि इतने पैसे आपके पास चाहिए, फिर निगरानी इस प्रकार की आपके ऊपर होनी चाहिए, रिस्क इस प्रकार के हो सकते हैं या फिर कौन कौन से रिस्क आप उठाते हैं नहीं उठाते, ये सारी चीज़ें जो हैं Basel III के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो दैट्स एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस अपडेट। इस बैंक्स के नाम को भी याद रखिएगा, कई बार स्टेट लेवल की एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। मूविंग ऑन टू अनदर आइटम, वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं हमारे, वो
माल्टा नाम का एक देश है, वहाँ की यात्रा पर हैं और ये उनकी जो यूरोप की यात्रा है उसका दूसरा देश है। आज आपके लिए पहला प्रश्न ये है कि पहला जो देश था ये कौन सा था जहाँ पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब पहुँचे थे। हाल ही में थोड़े दिनों पहले की बात है, हमने पीआईबी में बात भी की थी, लेकिन जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने स्टूडेंट्स जो हैं ये सारी अटेंशन टू डिटेल छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नज़र रख के पढ़ाई करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब तीन MOUs यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हमने साइन किए हैं। इसमें पहला है मेरीटाइम कोऑपरेशन यानी कि जहाज़ों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, तो इसे मेरीटाइम कहते हैं, तो मेरीटाइम कोऑपरेशन। दूसरा है टूरिज्म और तीसरा है ट्रेनिंग एंड नॉलेज शेयरिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब और ये माल्टा के प्रेसिडेंट हैं। इनका नाम है मेरी लुई कोलेरो प्रेका, मिस मेरी लुई कोलेरो प्रेका। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों, एक बुक भी होती है, ये एक प्रोटोकॉल का पार्ट है, एक ट्रेडिशन रहती है कि जब भी हमारे डिग्निटरीज किसी देश में विजिट करते हैं या फिर दुनिया के कोई भी डिग्निटरीज हमारे देश में आते हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस है ये सारी चीज़ें एक बुक में पेन डाउन करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें जो वो लिखते हैं, एक एक शब्द का मतलब होता है, बहुत सोच समझ कर सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। और इसी मौके के ऊपर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए हमारे नायडू साहब ने ये बताया है कि भारत जो है पूरी दुनिया के लिए जेनेरिक जो मेडिसिन होती है उसका एक हब है, खास करके अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन। दूसरे देश भी जेनेरिक मेडिसिन या ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं लेकिन उनकी प्राइसेस जो है इतनी अफोर्डेबल नहीं होती है, लेकिन भारत की मेडिसिन की प्राइसेस अफोर्डेबल भी हैं और वेलनेस और आयुर्वेदा सेक्टर में भारत इस माल्टा के साथ मिलकर कोऑपरेशन करना चाहता है। माल्टा ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि वेलनेस इंडस्ट्री जो हैं ये आने वाले टाइम में एक बहुत, आज भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है। आपने देखा कैसे हर जगह पर जिम खुल गए हैं और फिर बहुत सारी जगहों पर मेडिटेशन या फिर आश्रम्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वेलनेस और आयुर्वेदा सेक्टर्स जो हैं वो ग्रो होते जा रहे हैं। और अब ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर यूरोप का एक मैप, यूरोप के अलग अलग देश हैं यहाँ पर। और यूरोप के साउथर्न पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर हैं भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के बिल्कुल बीच में रफली स्पीकिंग आपको ये एक देश, छोटा सा देश देखने को मिलता है, इसका नाम है माल्टा। माल्टा जो हैं ये आप यहाँ पर आप देखिए, ये रहा माल्टा और इटली का एक आइलैंड है जिसका नाम है सिसिली। तो सिसिली से थोड़े ही साउथ में आपको ये देश देखने को मिलता है, छोटा सा आइलैंड नेशन है माल्टा इसका नाम है, मेडिटेरेनियन सी से घिरा हुआ है। और यहाँ पर देखिए इसका कैपिटल है वैलेटा, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब दोनों देशों ने बायलैटरल रिलेशनशिप, खास करके भारत जो हैं माल्टा के साथ अपने जो रिलेशनशिप हैं उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। और इसी के साथ उन्होंने हमारे नायडू साहब ने ये भी बताया है कि माल्टा जो हैं ये भारत के लिए यूरोपियन यूनियन में वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर भी हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि ए से लेकर जी तक ये जितने भी सेक्टर्स हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल, ट्रांसपोर्ट, फ्रेट, टूरिज्म, ये सारे के सारे सेक्टर्स में भारत के जो यंगस्टर्स हैं, जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, वो माल्टा की बहुत मदद कर सकते हैं। दोनों देश मिलकर इन सारे सेक्टर्स में पार्टनरशिप कर सकते हैं। आज आपका दूसरा प्रश्न ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो फ्लैग है ये किसके साथ जुड़ा हुआ फ्लैग है या फिर ये किसका फ्लैग है। दिस इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन। और अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आइटम है वो भारत और UAE के जो रिलेशनशिप हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है UAE की गवर्नमेंट ने। तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये UAE के वाइस प्रेसिडेंट हैं, UAE के प्राइम मिनिस्टर भी हैं और इसी के साथ साथ दुबई जो हैं उनके राजा भी हैं। इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। और मखतूम साहब जो हैं उनकी कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है कि भारत के जो लोग UAE में रहते हैं, बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे थे या करते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो एक लंबे टाइम तक उस देश में रह सकेंगे। फिलहाल जो पीरियड है ये 5 ईयर का दिया गया है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद 5 सालों तक वो वहाँ पर रह सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है किसी देश में एक लंबे टाइम से
वहाँ पर रहता है तो वहाँ की सिस्टम के साथ, वहाँ के जीवन के साथ यूज टू हो जाता है। फिर ये भी होता है कि वापस जब भारत आते हैं तब भी उनको बेचैनी महसूस होती है, यू नो, एक लाइफ स्टाइल उनकी हो गई होती है वहाँ पर, वहाँ के उनके दोस्त हैं, वहाँ की उनकी लाइफ स्टाइल है। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 5 साल एक्स्ट्रा के लिए वहाँ पर रह पाएंगे और पॉसिबिलिटी भी होगी रिन्यूअल की। अगर सारी चीज़ें सही है तो ये 5 साल को रिन्यू भी किया जा सकता है। ये 2019 से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और आपको पता है कि कैसे केरला में बाढ़ आई थी, तब यूएई ने एक प्रपोजल दिया था, तब हमने विस्तार से चर्चा की थी, हमने देखा था कि कैसे भारत के जो लोग हैं यूएई में, इमिग्रेंट्स जो हैं उनमें से सबसे ज़्यादा भारत के लोग बसते हैं। तो यूएई और भारत का ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मूविंग ऑन टू अनदर आइटम, आज ज़माना जो है ये इंफॉर्मेशन का ज़माना है। हम जानते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो ईजिली अवेलेबल हैं, अगर हमें यूज़ करना आती है सारी चीज़ों को, या फिर डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना अगर हमें पता है, उसका रास्ता हम जानते हैं, तो आज ये ज़माना है कि आप किसी भी चीज़ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये दोनों चीज़ों में भी एक डिफरेंस रहता है। इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक जनरली स्पीकिंग एक रो डेटा रहता है, और इन्फॉर्मेशन को जब आप समझ लेते हैं तब वो बन जाती है आपकी नॉलेज। और इसके साथ अगर आप इसको, आपका अनुभव इसके ऊपर जोड़ दें नॉलेज के ऊपर, तो फिर ये बन जाता है विजडम, यानी कि बुद्धिमत्ता। नाउ इंफॉर्मेशन, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस IIS के जो ट्रेनी हैं ऑफिसर्स, तो उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए हमारे राष्ट्रपति साहब ने ये बताया है कि आज ज़माना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, इंफॉर्मेशन का ज़माना है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है हमारे देश में, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी आज हमारे देश के बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स हैं उनको पता ही नहीं होता है कि गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं। आपसे ही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन ना करते होते तो ये सारी स्कीमों के बारे में क्या आपको पता चलता, क्योंकि आप न्यूज़ और करंट अफेयर्स और ये सारी चीज़ों के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में, या फिर हम सबको इन सारी चीज़ों के बारे में पता रहता है, लेकिन आम आदमी को इसकी जो इन डेप्थ नॉलेज है वो नहीं होती है। तो ये पहुँचाने का काम IIS ऑफिसर्स का है, और इसी चीज़ के ऊपर प्रोत्साहन देते हुए हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ये बताया है कि उनकी ये ड्यूटी रहेगी, उनका ये कर्तव्य है कि ये जो अवेयरनेस की एक, आप कह सकते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस जो हमें देखने को मिलती है, तो इसके ऊपर अवेयरनेस प्रोवाइड करने का इम्पोर्टेंट काम, इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन IIS ऑफिसर के होगी। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ साहब ने भी बताया कि पॉजिटिव अप्रोच से काम करना होगा, और इसी के साथ साथ कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग जो है उसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है, खास करके IIS ऑफिसर्स जो हैं उनकी कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग होती रहे, नई नई चीज़ों को वो सीखे, नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे, तो इसके बारे में भी उन्होंने एक बात की थी। अब बात करते हैं आयुष मिनिस्ट्री की। आयुष मिनिस्ट्री यानी कि आयुर्वेदा के साथ जुड़ी हुई मिनिस्ट्री, आज दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं आयुष के साथ जुड़ी हुई। पहली जो है वो ये है कि राष्ट्रीय पोषण माह, यानी कि पूरा महीना जो है सितंबर 2018 का, तो इसमें पोषण यानी कि न्यूट्रिशन को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, या फिर कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट हैं जिसका उपयोग, जो हम कहते हैं कि होम रेमेडीज, जो घर के किचन में ही जो भी मसाले हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों में क्या क्या खासियत हैं, कौन कौन से डिजीज़ को हम दूर रख सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में इस राष्ट्रीय पोषण माह के तहत लोगों को अवेयरनेस लोगों की क्रिएट की जाएगी। और ख़ास करके जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, तो उनका न्यूट्रिशन, उनको न्यूट्रिशन का क्यों ख्याल रखना है, उनसे, उनके न्यूट्रिशन से बच्चे कैसे प्रभावित होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन हुई। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो कोई भी रोल रहा है तो ये है अवेयरनेस का, अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत सारी कोशिश की गई, और सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं में ही नहीं, बच्चों में, एडोलसेंट्स में, यानी कि जो टीनेजर्स होते हैं उनमें, और एडल्ट्स में भी कैसे न्यूट्रिशन काम करता है, कैसे न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर एक अपडेट है। मूविंग ऑन टू अनदर आइटम, आयुष मिनिस्ट्री के साथ ही जुड़ी हुई एक चीज़ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO जो हैं, ये आयुष मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एक बेंचमार्क डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा है, ताकि पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल स्ट्रेटेजी बनाई जाए, ताकि जो हमारी ट्रेडिशनल आयुर्वेदा, उनानी, सिद्धा, ये सारी जो चीज़ें हैं
उनका उपयोग, उनका जो लाभ है, उनका फ़ायदा पूरी दुनिया उठा सके। और ट्रेडिशनल मेडिसिन में तो भारत जो है, भारत हैं, चाइना हैं, दूसरे ऐसे देश हैं, गिने चुने देश हैं जिनके पास इतनी विरासत है, तो इसका लाभ जो है दुनिया के सारे लोग उठा सकते हैं। जो नई नई दवाइयाँ जो हम देखते हैं तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और जनरली स्पीकिंग आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, यही हमने सुना है, यही हमने समझा है कि थोड़ा टाइम लगता है कई बार मेडिसिन की जो कहते हैं इफ़ेक्ट है उसको किक इन होने में, लेकिन एक बार वो किक लग गई उसके बाद व्यक्ति जो हैं उनकी तबीयत जो है वो हमेशा के लिए सही हो सकती है। तो प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट PCA ये WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में ये तय किया गया है, और इसी के साथ साथ एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है इसका एक प्रोग्राम है, इसका नाम है नेशनल आयुर्वेदा मॉर्बिडिटी स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजी इंजन, इसे नमस्ते कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, और इसी मौके के ऊपर आयुष्मान भारत के बारे में भी हमने WHO को अपडेट दिया, और यहाँ पर इंटरनेशनल जो कंसेंसस है वो, यानी कि इंटरनेशनल सारे के जो देश हैं तो एक एग्रीमेंट पर पहुँचे कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं फॉलो करने होंगे, डॉक्टर्स जो हैं उनकी डिग्रीज क्या होनी चाहिए, कौन से कोर्सेज उनको होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं A to Z आप कह सकते हैं आयुर्वेदा के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया गया। मूविंग ऑन टू अनदर आइटम, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से एक खबर है, वर्ल्ड ओजोन डे को आज सेलिब्रेट किया गया, और ये जो मेन फोकस है वो यही है कि लोगों की अवेयरनेस ओजोन के ऊपर, ओजोन लेयर जो परत है वो कैसे कई जगह पर इसमें दरारें या फिर छेद देखने को मिले थे, खास करके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, और बहुत सारे लोगों को कैंसर होता है और हर चीज़ जो है इससे प्रभावित होती हैं, तो पूरा ये जो ओजोन है उसको फेज आउट करने का प्रोग्राम जो है वो अनवेल किया है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने, और ये भी बताया है कि स्किल इंडिया के माध्यम से, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की मदद से एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने 1,00,000 जितने रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनिंग की जो सर्विसिंग की टेक्नीशियंस हैं उनको ट्रेन किया है, 1,00,000 जितने ट्रेनर्स जो इसमें इस फील्ड में काम करते हैं तो उनको ट्रेन किया है, ताकि क्योंकि रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनिंग में ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिससे ये ओजोन लेयर की जो परत है वो टूटने लगती है, तो इसको भी रिड्यूस करने की बात कही है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हैं ये ओजोन के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोटोकॉल है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो इसे HCFC गैसेस कहते हैं, HCFC 22। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में और चीज़ें बताना चाहूँगा आपको कि देखिए मॉन्ट्रियल के ऊपर बात करें उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि भारत पहला ऐसा देश है जिसने ये जो ICAP डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको डिज़ाइन किया है, इसको डेवलप किया है ताकि कूलिंग रिक्वायरमेंट जो हैं सभी सेक्टर्स में वो कम हो, इसी के साथ साथ जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम हो, जो गैसेस इसमें यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें कम हो। इस साल की थीम है 24th वर्ल्ड ओजोन डे की सेलिब्रेशन की थीम है कीप कूल एंड कैरी ऑन, और ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको 197 यूनाइटेड नेशन के जो देश हैं 197 कंट्रीज़ ने इसको अपनी सहमति दी है, तो इस कंटेक्स्ट में ये सबसे ज़्यादा सहमति हासिल करने वाला एनवायरनमेंट ट्रीटी बन जाता है। इसके अलावा ये सबसे सक्सेसफुल भी हैं, और देखिए 98% जितना जो ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स जो हैं इसमें रिडक्शन हमें देखने को मिला है, 135 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशन को हमने रोका है, और 2 मिलियन यानी कि 2,000,000 जितने जो स्किन कैंसर पर ईयर होते हैं उनको भी रोका गया है बिकॉज ऑफ दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। भारत की अगर हम बात करें तो सारी जो तारीखें हैं ये 37-38 के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि 2037 to 2038 तक कूलिंग की डिमांड को 20-25% रिड्यूस किया जाएगा, रेफ्रिजरेंट्स की डिमांड को 25-30, कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट को 25-40 तक हम रिड्यूस करने वाले हैं, और ये ट्रेनिंग के बारे में तो हमने पहले भी बात कर ली। मूविंग ऑन टू अनदर आइटम, ये है इंडिया एंड बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट, और इसमें इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट, तो इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री साहब और शेख हसीना मैडम ने
इसको फ्लैग ऑफ किया और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको और ज़्यादा मजबूत करने में हमारी बहुत मदद करने वाला है। ये इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है ये 129.5 किलोमीटर लंबा है। इसमें 5 किलोमीटर भारत में और 124 किलोमीटर बांग्लादेश में होगी ये पाइपलाइन। इसके साथ इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 346.04 करोड़ रुपीज़ और 30 महीनों में इसको कंप्लीट किया जाएगा। और ट्रेडिशनली जो ट्रक के माध्यम से हम जो ये डीजल उनको प्रोवाइड करते थे, अब पाइपलाइन के माध्यम से उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ बांग्लादेश की कैबिनेट ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि भारत जो हैं अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को एक समुद्री रास्ता जो हैं या फिर ट्रेडिंग कर सकें, चीज़ें सेंड कर सकें, रिसीव कर सकें, तो उसके लिए चित्तगोंग और मोंगला जो पोर्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज़ मोंगला पोर्ट और ये रहा चिटगोंग पोर्ट। तो इसका उपयोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पर देखिए त्रिपुरा है, मेघालय है, आसाम की भी एक बॉर्डर शेयर होती है दो जगह से, यहाँ पर और ऑफ कोर्स वेस्ट बंगाल का तो पोर्ट है ही, लेकिन ये सारी जो जगहें हैं वेस्ट बंगाल की तो वे भी पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एक एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा जो म्यांमार है उसके माध्यम से ही, जो कालादान प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से भी हम ये लैंड लॉक्ड जो हमारा पोर्शन है नॉर्थ ईस्ट का, तो उसको सी का एक्सेस देने में ये जो डिसीजन है बांग्लादेश का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कालादान जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट खबर जो है वो ये है कि एक पेंशन अदालत को इनॉग्यूरेट किया हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, जो पर्सोनल पब्लिक ग्रीवियंस और पेंशंस के मिनिस्टर हैं। और इसका जो मेन एम है इस पेंशन अदालत का वो यही है कि पेंशन के साथ जुड़ी हुई जितने भी कंप्लेंस हैं तो उनको एज सून एज पॉसिबल सॉर्ट आउट किया जाए। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज वर्जन डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और एक चीज़ जाने से पहले कि कल से यानी कि 20th सितंबर, तो 19th सितंबर का जो PIB एनालिसिस है, अब से आपको सिंगल डेट के PIB एनालिसिस प्रोवाइड किए जाएंगे। मैंने आपको एक प्रॉमिस की थी कि हम जल्द ही इस डेट को कैचअप कर लेंगे, तो वी हैव कॉट इट। और कल से आपको सिंगल लेक्चर्स प्रोवाइड, सिंगल इन द सेंस के एक डेट के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो टाइम जो है इसका वो भी थोड़ा कट डाउन हो जाएगा ताकि आपको सुनने में भी मज़ा आए, यू नो 20 मिनट अंडर, समवेयर अराउंड 17-20 मिनट के अंदर पूरा करने की इसको कोशिश करूंगा। कल से मैं स्पेशल टॉपिक्स की भी फिर से शुरुआत कर रहा हूं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप इसमें देखना चाहते हैं ये मुझे लिख कर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन राइट इट डाउन ऑन माई फेसबुक मैसेजेस एज वेल, और इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।